20 जून को राज्य के 9 सामाजिक संगठन मिलकर जाति आधारित गणना को सही ढंग से संपन्न कराने तथा अपनी आबादी के हिसाब से हर स्तर पर भागीदारी के लिए राज्य व्यापी जागरूकता अभियान चलाएंगे। यह घोषणा आज स्थानीय रविंद्र भवन में आयोजित एक विचार मंथन सम्मेलन में की गई। सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज की बिहार इकाई ने महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र से नवाजे गए शहीद अबुल हमीद जयंती की पूर्व संध्या पर किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, बहुजन भागीदारी आंदोलन बिहार, बहुजन चौपाल, जनक्रांति मोर्चा, सफाई कर्मी जनक्रांति परिषद, एक कॉम फाउंडेशन पिछड़ा पसमांदा मंच बिहार के नेताओं के अलावे कई ओबीसी और दलित बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर हमलावर सांप्रदायिकता और गुमराह विपक्ष, क्या करे वंचित पसमांदा समाज, विषय पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। जानकारी दर्ज करे देगा उसको दंडित किया जाएगा या छिपाएगा। उसमें ये नहीं लिखा कि जो गलत दर्ज करने वाला सरकारी कर्मचारी है वो अगर जानबूझ करके गलत दर्ज कर लिया तो उसको भी दंडित होना चाहिए। घूस लेने वाला, घूस देने वाला, दोनों मुजरिम है। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये जनगणना का जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1948 में, ये उसमें है कि दोनों दंडित होगा, सूचना गलत देने वाला, ये गलत लिखने वाला। इसलिए हम कह रहे हैं गलत लिखने वाला कि ये धर्म के आधार पर समाज बटा हुआ है, ये जाति के आधार पर बटा हुआ है। अगर कर्मचारी किसी और जाति का हो और डंडी मार दे तो क्या है, उसको पकड़ना पड़ेगा, वही दोषी हो। तो ये जब ये प्रावधान रहेगा तो वो गलती नहीं करेगा। दूसरी चीज की दक्ष लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से ये कराया जाए, नहीं तो 11 में जनगणना हुई और उसका नतीजा ढाक के 3 पद पूछाया नहीं, तो वो गलती बिहार में नहीं दोहराई जानी। ये सामाजिक संगठन है आपका सपना, ये जो आप, अरे रात एक रात लगता है, देखा रामविलास जी, लालू जी एक रात में पार्टी बना लिए, कोई पार्टी बना लेता है तो समाज हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे समाज से हैं जो बनाना भी जानते हैं, गति से उतारना भी जानते हैं, और हम लोग अगर सुधर जाएंगे, हम लोग कहने वाले हैं जो विपक्षी दल भी है, बीजेपी नहीं सुधरने वाली है, वो अपना काम कर रही है। पार्टियां किसी आप पार्टी को, पार्टी आपको, हमारी कोई पार्टी, देखिए हम अभी कुंवारे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं आ रहा है बीजेपी को और ओवैसी को छोड़ करके, इसलिए कि वो उनसे भी ऑफर है लेकिन वहाँ तो हम जाने वाले हैं नहीं। तो जहाँ जाएंगे वो उन देख रहे हैं कि वो गुमराह हैं, वो डरपोक बने हुए हैं, तो डरपोक लोगों के साथ, गुमराह लोगों के साथ जाकर क्या कर रहे हैं। एक सवाल है सर, जो अभी ओवैसी साहब की देखिए पैसा दे करके वो खड़ा कर रहे हैं, ओवैसी साहब की राजनीति बहुत गलत है, समझ रहे हैं ना, तो उनको पता चल गया ना, वो भाग गया ना चार गो एक वो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ओवैसी साहब जितने खतरनाक हैं उतने ही खतरनाक बीजेपी और आरएसएस भी है। जो विधायक चालू गया अच्छा किए हैं, अरे अच्छा किए हैं कि क्या उनका कोई सिद्धांत नीति सिद्धांत है, वहाँ भी गए तो अच्छा काम किए थे, यहाँ भी आए हैं तो उनका कोई बने रहना है, सत्ता में बने रहना है, इन लोगों का कोई नीति सिद्धांत नहीं, सत्ता ऐसे लोगों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है उनका। अली अनवर अंसारी मेरा नाम है, मैं ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व सांसद।